किसके किसके घर में वो भस्मासुर है? हाथ ऊपर करिए। सबके 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 आच्छादन के लिए एक दल और द्विदल सब फसलों के अवशेष उपयोग में लाना है, बाहर से चुरा कर नहीं लाना है, किसी से जबरन छीनकर भी नहीं लाना है, क्योंकि क्या होता है कि किसी पेड़ पौधे के नीचे के पत्ते आप उठाकर लाते हैं तो पत्तों में उस पेड़ के सारे साल का खाद्य तत्व खनिज भरे हुए होते हैं। जैसे हम 12 महीने जितना भी चावल गेहूं लगता है पहले लाकर डालते हैं ना घर में, उसी तरह भंडार है उसका। जब वो पत्ते उठाते हैं तो उनकी जड़ें भूखी रहती है, ये पाप है। तो किसी के अधिकार को छीनकर अपना ताज बढ़ाना ये पाप है, इसलिए बाहर से चुरा कर नहीं लाना है। लिखिए, हमारे लिए आवश्यक आच्छादन मुख्य फसल में ही आंतर फसल के रूप में उपलब्ध करना है। गन्ने के सूखे पत्ते कौन कौन जलाएंगे? नहीं, हम बताएंगे सरकार को, इनको 10-10 लाख रुपए बख्शीश दे। कौन कौन जलाएंगे? आपका नाम मुझे दे दीजिए, हम दिल्ली में भेज देंगे। हाथ ऊपर करिए, कौन कौन जलाएंगे? हो सकता है आपको मंत्री पद भी मिलेगा। नहीं जलाएंगे? नहीं जलाएंगे पैसे मिलने के बाद भी? बहुत कट्टर हो, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। मंदिर में लिखे, मंदिर में नारियल के अवशेष और फूल मालाएं उपलब्ध होते वो भी लाकर उपयोग करिए। कृषि उपज मंडी में, कृषि उपज मंडी में सब्जियों के फलों के अवशेषों के ढेर लगते वो भी आच्छादन के लिए उपयोग में लाना है। अनाज मंडी में व्यापारियों के पास पुराने फटे हुए बोरे थप्पी होती हैं, फटे बोरे की थप्पी लग जाती है उसके मंडी में, उसका भी उपयोग आप आच्छादन के लिए कर सकते हैं, उसका भी उपयोग आच्छादन के लिए कर सकते हैं। पड़े होते हैं ना उनके पास, पड़े होते हैं ऊपर, वो बहुत ही अच्छा आच्छादन है, वनस्पति जन्य है। अब लिखे, और एक आच्छादन भ्रष्टाचारियों को गाड़ कर भी हम कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, है ना, बहुत अच्छा होगा। भूमि ज्यादा समृद्ध होगी, उम्र ज्यादा बनेगा। नहीं, वो सब निकाल लेंगे हम, उसकी चिंता न करें। उसको सूची बनाइए कौन कौन है, तो ठीक है। ये रिश्वत लेना, भ्रष्टाचार करना मनोविकृति है, ये सामान्य आदमी नहीं करता, ये मनोविकृति है, इट इज अ साइकोलॉजिकल पेशेंट, ये विकृति है। वही करता है जिसके मन में विकृति है, उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, वो आवश्यकता होती है आध्यात्म की। किताब में मैंने आच्छादन के 50 फायदे दिए हैं, है ना, अगर पढ़े हो तो आप, ठीक है, आच्छादन समझ में आ गया? हाँ, ठीक। साथियों, कल हमने देखा था कि आच्छादन के 3 प्रकार है, देखे ना, कौन कौन से आच्छादन है? हाँ, एक मृदा आच्छादन, एक काष्ठ आच्छादन और एक सजीव आच्छादन। लिखिए, सजीव आच्छादन, लिखिए, सजीव आच्छादन माने मुख्य फसल में ली हुई अंतर फसलें, सब फसलें। मुख्य फसल में ली हुई सब फसलें,
देखिए सौ फसलों का चुनाव, नंबर एक अगर मुख्य फसल एक दल है तो सौ फसल द्विदल होना चाहिए, अगर मुख्य फसल द्विदल है तो सौ फसल एक दल होना चाहिए। दो, अगर मुख्य फसल की जड़ें गहराई में जाती हैं तो सौ फसल ऊपर बढ़ने वाली होनी चाहिए, ऊपर जड़े वाली, ऊपर जड़े ऊपर बढ़ने वाली होनी चाहिए ऊपरी क्षेत्र में। अगर मुख्य फसल छोटी जड़ वाली होती है तो सब फसल बड़ी जड़ वाली होनी चाहिए ताकि भूमि के सारे क्षेत्र से नमी और खाद्य उठाए। नंबर तीन, सब फसलों की आयु मुख्य फसल के आयु की एक तिहाई अथवा आधी होनी चाहिए। जैसे अगर मुख्य फसल की आयु 180 दिन है तो सब फसल की आयु कितनी होनी चाहिए? 60 से लेकर 90 ली। चार, सब फसलों के पौधे इतने ऊंचाई के होने चाहिए ताकि उनकी मुख्य फसल के पत्तों पर छाया न पड़े, जिससे उनमें सूरज की रोशनी लेने में प्रतिस्पर्धा न हो। पांच, सब फसलें तेज गति से बढ़ने वाली और भूमि को ढकने वाली होनी चाहिए। छह, अगर मुख्य फसल के पत्तों को सूरज की रोशनी की पूरी प्रखरता, सूरज के रोशनी की पूरी तीव्रता, क्या बोलते हैं आप, तीव्रता सहन होती है तो सौ फसलें ऐसी होनी चाहिए जिनको कड़ी धूप नहीं चाहिए, धूप छांव चाहिए, जिनको कड़ी धूप नहीं चाहिए, धूप छाया चाहिए अथवा छाया चाहिए। सात, अगर मुख्य फसल तेज गति से बढ़ने वाली हो तो सब फसल मंद गति से बढ़ने वाली होनी चाहिए। आठ, मुख्य फसल अगर पतझड़ न होने वाली हो, पतझड़ माने पत्ते गिरने वाली न हो, तो सब फसल पत्ते गिरने वाली ही चाहिए। निरंतर जिसके पत्ते गिरते हैं जैसे दलहन है, समझ में आ गया? अब इसको थोड़ा विस्तार करेंगे, लेट अस एलाबोरेट इट। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। चार युवा मई महीने में कड़ी धूप में 48 डिग्री सेंटीग्रेड, 48 अंश शतांश तापमान में बाहर धूप में टहलने के लिए चले गए, घूमने के लिए। धूप कितनी? 48 डिग्री। एक उसमें से ऐसा था जो मजे से चल रहा था, कड़ी धूप उसको सहन होती थी, उसको कोई तकलीफ नहीं होती थी। वो है मिस्टर टकलू। उसका नाम क्या है? मिस्टर टकलू। मिस्टर टकलू। इसमें एक दूसरा था, शायद किसी बड़े अधिकारी का बेटा हो, कभी कभी धूप में जाता था। वो धूप देखकर बोला, उसको तकलीफ होने लगी, तो धूप से बचने के लिए उसने रुमाल निकाला और रुमाल ऊपर बांध दिया। यानी उसको कड़ी धूप सहन नहीं होती, थोड़ी उसको क्या चाहिए, कम तीव्रता की धूप चाहिए। वो है मिस्टर रुमाल। एक तीसरा था,
शायद किसी मंत्री का बेटा हो। धूप कभी कभी केवल सिनेमा में देखे होगी, ऐसी धूप होती है। तो तिल मिला गया, बाप रे ऐसी धूप होती है, मैं तो मर जाऊंगा। तो उसने रुमाल भी बांधा, ऊपर से टोपी भी लगाई। क्या लगाई? टोपी भी लगाई, हैट भी लगाया बचने के लिए। इसका मतलब है उसको कड़ी धूप नहीं सहन होती, उसको थोड़ी छाया भी नहीं सहन होती, उसको ज्यादा छाया चाहिए। यह मिस्टर टोपी। और चौथा था राजकुमार। सत्ता चली गई, रास्ते पर आया, कभी सपने में भी धूप नहीं दिखी थी, एसी में मरा, एसी में खाया, एसी में सोया। जब बाहर निकला, बाप रे धूप ऐसी होती है, मैं तो मर जाऊंगा, मुझे होना नहीं है, लेकिन चलना तो पड़ेगा। तो फिर उसने क्या किया, रुमाल भी लगाया, उसके ऊपर टोपी भी लगाया, ऊपर क्या लगाया, छाता। उसको आदत थी, छाता पकड़ने वाला साथ में रहता था, तो मिस्टर छाता। इसका मतलब है कि हर मानव को सूरज के रोशनी की समान तीव्रता सहन नहीं होती, अलग अलग तीव्रता सहन होने की क्षमता होती। ईश्वर के कानून सबके लिए समान होते हैं, मानव के लिए अलग कानून और वनस्पति के अलग कानून ऐसा नहीं होता। अगर ये मानसिकता मानव में है तो मानसिकता किसमें है? वनस्पतियों में भी। वनस्पति भी एक समान तीव्रता सहन करने वाली नहीं होती, अलग अलग तीव्रता सहन करने वाली होती है। इस तीव्रता को अंग्रेजी में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ द सोलर लाइट। और ये तीव्रता मापने का मापन है फुट कैंडल। क्या है? फुट कैंडल। अब आप जब जंगल में जाओगे तो आपको दृश्य दिखाई देगा, यह है एक विशाल वृक्ष। क्या बोलते हैं आप उसको? विशाल वृक्ष। वृक्ष बोलते का पेड़ बोलते, वृक्ष वृक्ष बोलते हैं ना, हाँ वृक्ष। उसके हिलती डुलती छाया में यह पेड़, क्या बोलते हैं उसको? पेड़। यह है पेड़, छाया में पड़ रहा है, हिलती डुलती है, यानी उसको धूप छाव मिल रही है। अब इस पेड़ के छाया में झाड़ी है। क्या है? झाड़ी बोलते, क्या बोलते आप? झाड़ी, बुश, मिस्टर बुश, झाड़ी। और झाड़ी के छाया में पौधे हैं अलग अलग ऊंचाई के पौधे। और भूमि के सतह पर क्या है? फैलने वाली बेल है, दीज आर क्रीपर्स। यानी कितने स्तर है? वृक्ष, वृक्ष के नीचे पेड़, पेड़ के नीचे झाड़ी, झाड़ी के नीचे पौधे, पौधे के नीचे बेल, फैलने वाली बेल। पंचतरस्तरीय व्यवस्था। कितनी? पंचस्तरीय। ये वृक्ष है, खुली धूप में है, लेकिन अनगिनत फलों से लदा हुआ है। इसका मतलब है इस वृक्ष को खुली धूप चाहिए। क्या चाहिए? खुली धूप चाहिए। इसको छाया नहीं चाहिए। अगर इसको छाया में रखोगे तो इसके पत्ते सुबह 10:30 से लेकर दोपहर को 3:30 बजे तक काम नहीं करेंगे, नींद लेकर सो जाएंगे। जैसे कभी कभी ऑफिस में हम देखते हैं, 10 घंटे काम करेगा तो 2.25 ग्राम हमें उपज मिलेगी, और 5 घंटे काम करेगा तो उपज घटेगी, बढ़ेगी, घटेगी। इसका मतलब है इसको धूप चाहिए तो क्या देना चाहिए? धूप ही देना चाहिए। इसको छाया नहीं देना चाहिए।
कौन से ये है मिस्टर टकलू, लिखिए मिस्टर टकलू, लिखिए पहले ये लिखिए, लिखिए मानव के समान सभी वनस्पतियों को सूरज के रोशनी की समान तीव्रता सहन नहीं होती, अलग अलग तीव्रता सहन होती है। इस तीव्रता को फूट कैंडल इस मापन से मापी जाती है। That intensity of the solar light is measured by the measurement foot candle. Foot candle इस मापन से मापी जाती है। प्रकृति में पंचस्तरीय रचना होती है। सबसे ऊपर बड़ा वृक्ष खुली धूप में खड़ा, कड़ी धूप में खड़ा है, अनगिनत फलों से लदा है। इसका मतलब है इसको खुली धूप चाहिए, छाया नहीं चाहिए। ये छाया में काम नहीं करता। ये है सही हठ योगी। ये कौन है? सही मायने में हठ योगी है। खुली धूप की तीव्रता अलग अलग ऋतु में अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा तीव्रता मार्च अप्रैल मई जून में होती है ना, कड़ी धूप तपती है। 8000 फुट कैंडल से लेकर 12000 फुट कैंडल, द रेंज इज 8000 अप टू 12000 फुट कैंडल इंटेंसिटी। 8000 फुट कैंडल से लेकर कितनी, 12000 फुट कैंडल। मार्च महीने में 8000 फुट कैंडल, अप्रैल महीने में 9 से 10000 फुट कैंडल और मई जून में 11000 से लेकर 12000 तक भी पहुंचती हैं। और मई जून में 11000 फुट कैंडल से लेकर 12000 फुट कैंडल तक भी पहुंचती हैं। इस संपूर्ण प्रखर तीव्रता को सहन करने वाले बड़े वृक्ष होते हैं और अनाज की फसलें होती है। अनाज माने तृणवर्गीय अनाज की फसलें होती है, ग्रामीण परिवार की फसलें होती है। मैं बताऊंगा कौन कौन सी होती है। तो लिखे वृक्ष, कौन से वृक्ष है इसमें, मिस्टर टकलू लिखे, खाली नीचे लिखे मिस्टर टकलू कौन कौन है इसमें। आम, इमली, चीकू, सपोटा, कटल, काजू और कौन कौन से बड़े वृक्ष फल वाले, नीम, जामुन, राइट, महुआ, हाँ महुआ नहीं, आंवला नहीं, महुआ, महुआ होता है रामनाथ जी, महुआ होता है, कहाँ होता है? अच्छा, क्या उपयोग करते आप लोग महुआ का? तेल निकालते, खाने का तेल। और क्या करते हैं? शराब। अच्छा, कैसी लगती है रामनाथ जी, कैसी लगती है? नहीं, नौकरी समय मुफ्त में मिलती है ना, हाँ तो कैसी मिलती है, कैसी लगती है? अच्छा, अरे आपको मालूम है, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया ठीक है। हाँ, और कौन से बड़े वृक्ष, सागौन, पीपल, बरगद, नरियल, बड़े वृक्ष,
शीशम राइट दैट इज करेक्ट। बड़े वृक्ष कौन कौन से और खाने के, खाने का बताइए। हाँ फल, फल के पेड़ बड़े वृक्ष। हाँ बेल, बेल कदम राइट, काजू लिया ना, काजू लिया, बेल जामुन भी लिख लिया, लीची बड़ी होती है ना, लीची बड़ा वृक्ष होता है क्या, मीडियम होता है ना, मीडियम हाँ पेड़ में आएगा, वो पेड़ में आएगा ठीक है। हाँ ठीक है, अब लिखिए, अब लिखिए धान गेहूं जिनको कड़ी धूप चाहिए ऐसी, धान गेहूं मक्का ज्वार बाजरा रागी नवनी कोदो कुटकी, रागी का बीज देंगे हम आपको जून को बोना है आपको, बिल्कुल बिल्कुल देंगे, इतनी पौष्टिक है, बहुत बढ़िया है बच्चों को सबको खिलाने के लिए, उसकी रोटी बना सकते हैं, उसकी खिचड़ी बना सकते हैं, उसका भात बना सकते हैं, और उसका ये दक्षिण भारत में खाते हैं ना इडली, इडली बना सकते हैं, उसका वो बड़ा होता है ना डोसा भी बना सकते हैं, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। मैं तो दक्षिण भारत में जाता हूँ तब ये खाता हूँ, पहली डिमांड होती है रागी का बनाओ, कड़वी नहीं होती, बारीक होती है, बारीक बारीक होती है, सावा होता है ना, सावा अपने धान में निकलता है, सावा निकलता है बारीक होता है ना उसी तरह, बहुत पौष्टिक है, बहुत पौष्टिक है, यानी रागी की एक रोटी खाइए और आपके गेहूं की 10 रोटियां खाइए बराबर है, इतनी पौष्टिकता होती, भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगती जल्दी, सबसे ज्यादा पौष्टिक वही है रागी नवनी कोदो कुटी। हाँ आज नहीं मिलेगा आपको, उपलब्ध हो जाएगा, चिंता न करें, वो क्या थोड़ा लगता है, एक एकड़ में ज्यादा से ज्यादा आधा किलो बहुत हो गया, बहुत हो गया, बारीक दाने होते जून महीने में, जून महीने में एक बार रागी खाओगे ना बाकी नहीं खाओगे, उसकी रोटी खाओगे बस आपकी बस, और धूप वाले में भी होती है बारिश इस बार सिंचाई पर ले। हाँ हो गया, गन्ना, गन्ना कपास नहीं, कपास कहाँ गया, गन्ना नहीं, जिसके तलवार जैसी पत्ते होते हैं ऐसे ग्रामीण परिवार के, तलवार जैसे पत्ते होते क्या, ठीक है लिखिए, इन सबको कड़ी धूप चाहिए छाया नहीं चाहिए। अब लिखिए मिस्टर रुमाल, इन इसमें पेड़ आते हैं, लिखिए इसमें पेड़ आते हैं पौधे भी आते हैं, इनको कड़ी धूप नहीं चाहिए, धूप छांव चाहिए, धूप आई छाया आई, धूप आई छाया आई, इस तरह का माहौल चाहिए, चाहे पत्तों का हो या बादल का। इनमें अनेक गट है, गट नंबर एक सभी पेड़ आंवला अमरूद, अमरूद किन्नो माल्टा संतरा मौसम्बी, उसमें लीची आएगी, लीची उसमें आएगी, लीची आएगी, इसमें अंजीर आएगा, आड़ू भी आएगा, आड़ू इतना मीडियम होता है ना, अंजीर आएगा, देसी केला आएगा, देसी केला जो ऊंचा पड़ता है, सुपारी और बाकी मध्यम ऊंचाई के पेड़, बाकी मध्यम ऊंचाई के पेड़, हाँ सभी पेड़, ये नंबर एक गुट हो गया। अब गुट नंबर दो,
सभी दलन, नंबर तीन सभी तिलन, नंबर चार सभी सब्जियां, सब्जियों को भी मई महीने की कड़ी धूप नहीं चाहिए, सभी सब्जियां, नंबर पांच सभी फूल, फूलों की धारणा भी मई महीने में कड़ाके के धूप में नहीं होती, इन सब को धूप छांव चाहिए जिसकी तीव्रता 6000 से लेकर 8000 होती है, फूड कैंडल होती है, 6000 से लेकर 8000 फूड कैंडल होती है। तो इनको क्या चाहिए, कड़ी धूप चाहिए क्या? नहीं, इसको बड़े वृक्ष के नीचे हमें लेना पड़ेगा। नंबर तीन मिस्टर टोपी, इन पेड़ पौधों को, इन पौधों को कड़ी धूप नहीं चाहिए, धूप छाव भी नहीं चाहिए, हल्की सी छाया पे जाइए। इनमें लिखिए शरीफा, अनार, करी पत्ता, केला, कॉफी, कोको, इलायची, इलायची क्या बोलते हैं आप उसको, इलायची, ये अपना कैस्टर को क्या बोलते हैं, अरंडी, अरंडी इसमें आती है, और कौन से उत्तरी भारत में जो फलों के पेड़ है और झाड़ी जैसे होते हैं, नहीं माल्टा तो लिया, नंबर दो में आया ना, माल्टा, माल्टा लिंबू नंबर दो में है, हाँ बेर, छोटे बेर, बड़े बेर तो देशी बेर नंबर दो में है, बेड़ी बेर नंबर दो में, झाड़ी वाले बेर इसमें आते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब लिखे चार, मिस्टर राजकुमार, क्या नाम है उसका, मिस्टर छाता, मिस्टर छाता, हाँ इसमें लिखे मिर्च, हल्दी, अदरक, काली मिर्च, पान बेल खाने की पान, वेनिला, वेनिला आप आइसक्रीम खाते हो ना, वो इसकी बेल होती है वेनिला की, उसको फल्ली लगती है, और फल्लू के जो बीज होते हैं ना उसका वेनिला बोलता है। अपने यहाँ अगर टेम्परेचर कम है तो यहाँ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होने से नहीं होगा। हाँ ये सब आते हैं, इसको इनको लिखे, इनको धूप नहीं चाहिए, धूप छाव भी नहीं चाहिए। अरबी भी आएगा इस बल्ब में, अरबी, अरबी, अरबी कंद है क्या, कंद, हाँ कंद आएगा, हाँ सारे कंद, कंद इसमें आएगा, आलू सब्जियों में आएंगे, आलू सब्जी में आते हैं। इनको 3700 से लेकर 5000 फुट कैंडल तीव्रता सहन होती है, इसका मतलब है उनको छाया चाहिए, इसका मतलब है इनको छाया चाहिए।